हम में से ज्यादातर लोग हर समय किसी न किसी बात को लेकर दुखी होते रहते हैं। हमारे दुखी होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, पर क्या हमने कभी जानने की कोशिश करी है कि दुख वास्तव में है क्या? अगर आप मुझसे पूछें कि दुख क्या है, तो मैं कहूंगा कि इस दुनिया में दुख जैसी कोई चीज नहीं है। पर यह बड़ा बेवकूफी भरा जवाब होगा, क्योंकि यह अगर आपका अनुभव ही नहीं है तो शब्दों में यह कड़वा भी लगेगा और गलत भी। मैं चाहता हूं कि जो बात मैं कह पा रहा हूं वो आपका अनुभव बने। दुख जैसी कोई चीज नहीं, यह मानना मुश्किल है पर असंभव नहीं। बात बहुत गहरी है पर अनुभव की जा सकती है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से, जो आपको बताएगी कि वास्तव में दुख आखिर क्या है और यह किस तरह से काम करता है हमारे जीवन में। एक बार गौतम बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। उस वृक्ष के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, बस चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह बुद्ध का भिक्षु बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पे हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट होती है जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक है जो हमें दुख से कोसों दूर करती है। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया हूं, पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूं कि दुख आखिर है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने उस भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग बुद्ध की ये बात सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का ही नाम नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक नगर में एक धनी सेठ रहता है। उसके पास एक बहुत वफादार नौकर होता है। वह सेठ अपने उस नौकर पर बहुत विश्वास करता है। वह सेठ कभी भी अपने नौकर पर किसी बात के लिए भी शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी जरूरी काम से नगर से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस अपने घर लौटता है तो वह एक बहुत कीमती अपने साथ सामान लेकर आता है। अपने कमरे में ले जाकर वह सेठ उस सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कह देता है कि तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है कि ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मुझे बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह उस सेठ की कीमती चीज के पास पहुंचता है और उस चीज की भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज
उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को यह बात पता चलती है और सेठ नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता है, खूब भला बुरा कहता है, उसे खूब डांटता है। पर वह सेठ ना तो उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना ही उस नौकर को पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार और बहुत पुराना नौकर है। इसीलिए वह डांट धमका कर ही उस नौकर को छोड़ देता है। सेठ अपनी उस कीमती चीज के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी होता रहता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है, वह बेचैन रहता है, करवटे बदलता रहता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंतता के साथ खर्राटे ले लेकर सो रहा होता है। वह सेठ ये देखकर और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मुझे यहां नींद भी नहीं आ रही है और ये आराम से सो रहा है। पर सेठ कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वह उसका बहुत पुराना और वफादार नौकर है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। सेठ अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बताते हुए कि वो जो कीमती चीज तुमने कल तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं तो चाहता था कि मैं उस चीज को तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई है। सेठ की ये बात सुन नौकर को धक्का लगता है। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, वह इतनी कीमती और सुंदर चीज मेरे लिए थी और वह मुझसे ही टूट गई, फिर क्या था। उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। फिर रात होती है और अब सेठ आराम से सोता है और वह नौकर बेचैन रहता है। उस नौकर को नींद नहीं आती। उसे नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया है, इसीलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह इतनी कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज ना टूटती तो वह मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है। और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ, अपने आप को किसी भी चीज से जोड़ने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो चीज हमें दुख देती है। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती, वो चीज हम नहीं बन सकती। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि तो क्या हम लोग अपनी ही चीज को अपना ना माने। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस कहना चाहता हूं कि बस इतना समझें कि हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकारें और जीवन में आगे बढ़ें। आज सबसे ज्यादा सुसाइड इन छोटी छोटी बातों पर हो जाते हैं कि मैं परीक्षा में फेल हो गया, या किसी प्रेमिका या प्रेमी छोड़कर चले गए, या कोई वस्तु गुम हो गई, या कुछ खो गया, और इसी वजह से लोग बड़े बड़े हादसों को अपना लेते हैं। और आपको भी सोचकर लगता होगा कि इतनी सी बात पर लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं, लेकिन जब वो परिस्थिति आपके सामने अलग रूप में आती है तब आप भी अपना संतुलन खो जाते हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम किसी भी चीज से
अपने आप को जोड़ लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर एक व्यक्ति और हर एक चीज की एक अवधि होती है। उस समय के बाद हर एक चीज को जाना पड़ता है, चाहे वो वस्तु हो, आपकी इज्जत हो, कुछ भी सही। जो संसार से मिला है वो संसार में वापस चला जाएगा और उसका कोई समय निर्धारित नहीं। तो अगर आप किसी भी चीज के इस बात को याद रखते हैं कि एक समय के बाद जो चीज आपके पास है उसे जाना ही होगा, उसके बाद आपके जीवन में दुख तो होंगे पर वो आपके लिए दुख नहीं होंगे, क्योंकि बुद्ध ने कहा है दुख और सुख केवल एक विचार मात्र है। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं और आपको समाधान मिला है कि दुख की जड़ क्या है, दुख का कारण क्या है और वाकई में दुख आखिर है क्या, तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए। ये शिक्षाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और पहुंचाते हैं तो आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।